जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हो गया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है बेटा। अब आपने चॉइस फिल किया होगा, उसके बाद में 6 तारीख को फ्राइडे को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जो दो मोड पे होंगे। पहला मोड होगा ऑनलाइन अपलोडिंग और दूसरा होगा फिजिकल जो रिपोर्टिंग होगी कॉलेज अलॉट होने के बाद में। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब कब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नेसेसरी होंगे, वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है बेटा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हम बात करते हैं, जनरली आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, काफी बच्चों के पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आप 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो काम में ले सकते हो। वो ऑनलाइन भी अपलोड होगा और ऑफलाइन जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में तो उस समय भी नेसेसरी है बेटा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, हम बात करते हैं आपके 10th और 12th की मार्कशीट, जो ऑनलाइन भी अपलोड होगा और इसके अलावा जब आपको रिपोर्टिंग होगी तभी भी आपको नेसेसरी है दोनों ही। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट से बेटा टीसी, जो आपको स्कूल से, आपने स्कूल में जैसे 12th पास की, जहां से भी वहां से आपको टीसी मिल जाएगी, तो तीसरा ये ऑनलाइन भी अपलोड होगा बेटा और ऑफलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे भी अपलोड होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपने एंटी के साइड से जब आपने एग्जाम दी होगी एडमिट कार्ड मिले होंगे बेटा। आपके पास दो एडमिट कार्ड थे, अगर नहीं भी है तो आप अपलोड भी कर सकते हो एडमिट कार्ड। एक तो था बायो और केमिस्ट्री का और एक एग्रीकल्चर का था, तो वो आप एनटीए से जो भी बाकी अगर किसी के पास नहीं है तो एनटीए से डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से, वो ऑनलाइन भी अपलोड होगा और ऑफलाइन भी होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है अपना वो है कंप्यूटर जनरेट जो कन्फर्मेशन पेज है आपका, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको मिला था एप्लीकेशन फॉर्म, वो चाहिएगा बेटा। और वो ऑनलाइन तो नहीं अपलोड होगा लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे उस समय अपलोड होगा, तो बेटा विशेष ध्यान रखना जो अपना कन्फर्मेशन पेज है, जो एप्लीकेशन पेज है उसको डाउनलोड आपने किया होगा, उस समय आपके पास प्रिंट भी होगा एप्लीकेशन पेज का, वो भी नेसेसरी है ऑफलाइन के टाइम पे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑफलाइन जब कॉलेज की रिपोर्ट होगी बेटा, रिपोर्टिंग होगी, उस समय जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा रैंक कार्ड, आपका रैंक कार्ड आप अभी भी साइट से आप अपलोड कर सकते हो, रैंक कार्ड कौन सी आई है आपके, ओवरऑल कौन सी रैंक है, कैटेगरी में कौन सी है, वो रैंक कार्ड ऑनलाइन तो अपलोड नहीं होगा लेकिन ऑफलाइन कंडीशन में आपको जब रिपोर्टिंग करोगे उस समय जरूरत पड़ेगी। काफी बच्चे उस समय पता ही नहीं चलता कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस समय हड़बड़ी होती रहती है और फिर समस्या आती है बेटा, काफी बच्चे रह जाते हैं। अगला है अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपको कॉलेज मिल गई उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कॉलेज की तरफ से कि आपको IRI मिला है, जीवी पंत मिला है, BHU मिला है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कॉलेज मिली है, जो भी होगा ऑनलाइन अपलोड लेगा लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे उस समय जो कॉलेज अलॉट हुई थी वहां उसको नेसेसरी है बेटा। इसके अलावा आपका जो एडमिशन लेटर होगा जो NTA द्वारा मिलेगा आपको, प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा ना, वो भी आपको यहाँ अपलोड तो नहीं होगा लेकिन जब ऑफलाइन आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे उस समय नेसेसरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो बता देता हूँ बेटा। इसके अलावा हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो है, जो आपने एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप किया था उस समय जरूरत पड़ी थी, ऑनलाइन अपलोड नहीं होगी लेकिन ऑफलाइन जब आप कॉलेज जाओगे उस समय जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड दोनों ही ऑनलाइन भी अपलोड होगा और फिजिकल भी जरूरत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको मूल निवास कहते हैं बेटा, वो भी ऑनलाइन भी अपलोड होगा और ऑफलाइन भी चाहिए आपको। इसके अलावा ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, TC और CC दोनों की जरूरत पड़ेगी बेटा, वो भी स्कूल से आपको मिलेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन भी अपलोड होगा और ऑफलाइन भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप SC कैटेगरी में हो, आप ST में हो, UPS कैटेगरी में बताया था मिजोरम वगैरह उस साइड में, इसके अलावा OBC के हो, इसके अलावा जनरल में EWS से हो, जनरल का नहीं EWS में हो, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। और OBC और हम जनरल की बात करते हैं बेटा, ये 1 अप्रैल 2024 से हम बात करते हैं, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए EWS का, ध्यान रखना, वो भी सेंटर का, OBC और EWS वाले, SC ST वाले पुराना भी चल जाएगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीक्रेप्ट हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नेसेसरी है बेटा। तो जब भी आप 6 तारीख को आपको कॉलेज मतलब आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे। इसके अलावा बता देता हूँ बेटा, अपना जो ऑनलाइन बैच है और ऑफलाइन बैच है नया 5 सितंबर से स्टार्ट है। जो भी बच्चे हैं वो शानदार रिजल्ट रहा जेट का और CUET का, आपने देखा भी होगा CUET में काफी बच्चों ने आउट ऑफ 500, इसके अलावा JET में आपने देखा होगा सैकड़ों बच्चे अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहुंचे हैं। तो 5 तारीख को ऑनलाइन ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटा, इस साल GUET जो BHU की फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट जो कॉलेज अलॉट हुई थी उसमें मोर देन 10+, अब तो 10+ हो गए क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है, तो इतने बच्चे कैंपस में पहुंचे BHU के एग्रीकल्चर BSc वाले,
ये और कोई दूसरा सब कैंपस में नहीं है, ओनली और एग्रीकल्चर बीएससी वाले कैंपस में पहुंचे। और अगर आपका भी सपना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, आईआरआई में, बीएचयू में, जीबी पंत में पढ़ने का, तो बेटा एक मौका मत गवाना, जल्दी अपना 5 तारीख को, कल से बैच स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना बेटा, जो मैंने बताया ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे, ऑफलाइन में कॉलेज अलॉट होगी उस समय, तो आप उनका विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद।